वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं तिल और मावा के लड्डू बनाऊंगी। ये 2 कटोरी तिल है और ये मावा है। अब हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने स्लो गैस पे गर्म कर लिया। अभी हम इसमें तिल गूंद लेते हैं। इसको स्लो और मीडियम के बीच में हम रोस्ट करेंगे तिलों को। इसको ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस उतने ही गूंदेंगे। तिल रोस्ट हो चुके हैं, अभी गैस को कर देते हैं बंद। वो तिल को ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद फिर इसको पीसते हैं। अब हम खोए को भी थोड़ा पका लेते हैं। थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, ये लड्डू बनाने में आसानी हो जाएगी। साफ से हो जाएगा भूनने से। खोए को भी हमने पका लिया और ये देखो साफ हो गया। बस इतना इसको पकाएंगे। तिल ठंडे हो चुके हैं, अभी इसको पीस लेते हैं। इसको लगातार नहीं पीसेंगे, रुक रुक के पीसेंगे। लगातार पीसने से ऑयल छोड़ देंगे, ये रुक रुक के पीसेंगे इसको। मैंने पीस लिए हैं, इसको दरदरा ही पीसना थोड़ा, बस इस तरह से ठीक है। ये पीसी हुई चीनी है। अभी 1 कटोरी हम इसमें चीनी डालते हैं। आप बूरा भी डाल सकते हो। अभी हम जो मावा भी इसके अंदर डालेंगे। इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया। अब बनाती हूँ इसके लड्डू। छोटा बड़ा साइज वो आप पे डिपेंड है। अब छोटा साइज बनाइए, बड़ा बनाइए। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छी तरह से बन रहे हैं ये। लड्डू मैंने बना लिए, अब करते हैं इसकी गार्निश। अभी इसके ऊपर बादाम लगा देते हैं, 1-1 पीस। आप पीस किया मैंने। जितने बनाने में आसान है, इतने खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी घर में बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।